हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधा बीपी ब्लॉग्स। आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑयली स्किन के लिए मेकअप। आइए शुरू करते हैं। पहले मैंने अपने फेस पे टोनर लगा लिया है अच्छे से इसे, उसके बाद मैंने लैक्मे का जेल लिया है। ये जेल प्राइमर का भी काम करता है। प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। उसके बाद मैंने फेयर लवली का बीबी क्रीम लिया है। मैंने यहाँ फाउंडेशन यूज नहीं किया है। इसे मैंने अपने फेस पे अच्छे से डॉट डॉट करके यूज कर लिया है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंड से इसे अच्छे से मिला लूंगी पूरे फेस पे। उसके बाद मैंने यहाँ ब्लू हेवन का कंसीलर लिया है। इसे मैं पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी, नेक पे, आईज पे, नोज पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंड से इसे अच्छे से मिला लूंगी पूरे फेस पे। देखिए मैंने अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है कंसीलर। उसके बाद मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। इसे मैं पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूंगी। मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रेस अकॉर्डिंग आई शैडो लिया है। मैंने रेड कलर आई शैडो यहाँ पे यूज कर रही हूँ। उसके बाद हाईलाइट लगाऊंगी आई शैडर कॉर्नर पे। मैंने यहाँ गोल्डन आई शैडो लिया है हाईलाइट करने के लिए। Thank you.
मेरा आई शेडो कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर अच्छे से लगाएं, नहीं तो मोटा या पतला हो सकता है, इसलिए इसे अच्छे से लगाना चाहिए धीरे धीरे। मेरा आईलाइनर कंप्लीट अप हो ही चुका है। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा यूज किया है। दोनों आईज पे मैं अच्छे से लगा लूंगी मस्कारा। उसके बाद आई कॉर्नर पे व्हाइट कलर हाइलाइटर लगाऊंगी। उसके बाद अपनी चीक्स को, नेक को हाईलाइट करूंगी अच्छे से, फेस को। हाईलाइट मेरा फेस हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड कलर लिपस्टिक यूज किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर बिंदी लगाऊंगी। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे फिक्सर अप्लाई करूंगी। अब मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं।